इस वक्त हम जनाब एंटर हो रहे हैं 11 के पिस्टन के जो विलाज़ हैं, 11 ए के, वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत ये विलाज़ हैं। जैसे आप एंटर होते हैं तो कॉर्नर में आपको इतना खूबसूरत ये विला नज़र आता है, और हम आपको ये पूरा एक स्ट्रीट टूर करवाएंगे। विलाज़ तो आपने देखे हैं ऑलमोस्ट, कायद विलाज़ भी और ये 11 के भी विलाज़ अंदर से भी दिखाए हुए हैं, लेकिन आपको आज हम थोड़ा स्ट्रीट टूर करवाएंगे ताकि आपको इस पूरे एरिया का आइडिया हो जाए और इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा हो कि ये पूरे जो 200 यार्ड विलाज़ हैं वो कितने आला हैं। अली हमारे साथ मौजूद हैं जी स्ट्रीट टूर में। अली, पिसेंट 11 ए की जो लोकेशन है वो अपने आप में ही बहुत खूबसूरत है। ये देखिए जी, लेफ़्ट साइड पे भी आप जी। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर भाई, आज हम प्रीसेंट 11 ए के 200 यार्ड्स के विलाज के बारे में थोड़ा स्ट्रीट टूर कराएंगे, थोड़ा बताएंगे कि डेवलपमेंट कैसी हुई है, कितनी फैमिलीज़ यहाँ पे रह रही हैं, और अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो आप भी आने से पहले हमारी वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको आइडिया हो सके। तो हमारे राइट साइड पे स्ट्रीट 8 है जहाँ हम टर्न लेंगे। यहाँ एक दो मुदस्सिर भाई सेलिब्रिटीज़ भी रहती हैं जो कि पाकिस्तान बड़ा जो टीवी ड्रामास के बड़े नाम हैं, इकरा अजीज और यासिर साहब। अच्छा। जो हैं वो भी प्रीसेंट 11 ए में ही रहते हैं और उनका बेविला है यहाँ पर। इसके साथ साथ और बहुत सारे लोग हैं क्योंकि बड़ा सेफ़ और सिक्योर ये जगह समझी जाती है प्रीसेंट 11 ए या बाकी जगह, पूरा बैरियर टाउन ही सेफ़ सिक्योर है, बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल है। और अगर मुझसे कोई पूछे कि किन विलाज में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है तो मेरी सबसे पहली प्रेफरेंस प्रीसेंट 11 ए के 200 यार्ड्स वाले विलाज होते हैं, क्योंकि यहाँ एक तो हाइट पर है, दूसरा बड़ा अच्छा माहौल मैं समझता हूँ कि यहाँ पर है। हर विला के जो रेजिडेंट हैं उन्होंने बड़ा अच्छा ग्रीनरी की हुई अपने विला के बाहर, जो कि आप हमारे वीडियो में भी देख रहे हैं। अच्छा अली, एक ख़ास खूबसूरती जो ये कायद विलाज हैं या इकबाल विलाज हैं या फिर 11 है, 10 है, 11 ए बी दोनों हैं, या फिर हम अगर उधर विलाज की बात करते हैं स्पोर्ट्स सिटी, तो एक बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ पर जो वो जो चार दीवारियाँ हैं, गेट्स हैं, उस तरह का माहौल नहीं है। वो जो एक हम यूरोप में देखते हैं वही माहौल सारा इधर नज़र आता है, तो ये भी एक बड़ी खूबसूरती है सारे एरिया की रहने वालों की। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। यानी आप ये देखें, एक तो आपको विला बड़ा लगता है और आप एक दूसरे के बहुत करीब हो जाते हैं इस तरह। तो ये विलाज यानी कि आज हम आपको बता रहे हैं कि वैसे तो पूरी यानी कि वीडियोज़ ही बैरिया के बारे में करते हैं, लेकिन जो बैरिया टाउन के विलाज़ है ये मतलब एलिवेशन के अतवार से बड़े खूबसूरत विलाज समझे जाते हैं। यानी कि इनकी जो कलर कम्बिनेशन है, फ्रंट एलिवेशन है, और फिर लोगों ने तैयार बहुत आला किया है। बैरियर टाउन 11 ए का स्ट्रीट टूर भी आपने देखा, बड़े खूबसूरत घर विलास 200 यार्ड जो विलास बने हुए हैं वो पूरे आपने वो देखे हैं बाहर से। और आज हम जहां पर मौजूद हैं, इसके पीछे भी ये जो एरिया है वो ये 11 ए का ही है, लेकिन ये 152 यार्ड है, जिसकी आप हमारी बैरियर टाउन की सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीडियो भी उस घर की देख चुके हैं, और वो भी उसका स्ट्रीट टूर भी आप दिखाएंगे कि एक साल के बाद वहाँ क्या सूरत हाल है। अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, अली से हम बात कर लेते हैं कि अली, इस वक्त सबसे ज़्यादा आबाद जो है और सबसे ज़्यादा खूबसूरत भी वो विलाज़ ये हैं, तो इस वक्त क्या यहाँ पर रेंटल वैल्यू चल रही है? शुक्रिया मुदस्सिर भाई। देखें 11 ए के जो विलाज़ हैं वो जिस तरह हमने स्ट्रीट टूर में बताया है कि बड़ी तेज़ी से आबाद हो रहे हैं, और विलाज़ बैरियर टाउन कराची के कहीं पर हों, वो कायद विला हों, इकबाल हों, 10, 11, 31, 27 या 35, विलाज़ की जो विला में आने वाले लोगों की तादाद है वो बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी प्रीसेंट 10 के बाद जो सबसे ज़्यादा आबादी है वो प्रीसेंट 11 ए के 200 यार्ड्स वाले विलाज़ में है। यहाँ का माहौल बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ इस जगह पर आना इसलिए पसंद करती हैं, एक तो हाइट पर है, एक तरफ अली ब्लॉक है, एक्सेस दो तीन जगहों से है। तो ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से प्रीसेंट 11 के 200 यार्ड्स के विलाज़ को पसंद किया जा रहा है। जो इनकी कीमतें हैं वो भी इसलिए ज़्यादा हो रही हैं, जो फैमिलीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आ रही हैं उसकी भी वजह इसकी लोकेशन है, यहाँ का एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर मौजूद जो पॉपुलेशन है वो तमाम इसी वजह से। अच्छा, इस वक्त इन 200 यार्ड विलाज़ की कीमत कहाँ तक है और ये कहाँ से स्टार्ट हुए थे जब लोगों को मिले?
देखें जो प्रीसेंट 11A है इसकी जो या जितने भी बैरिया होम्स हैं वो स्टार्ट हुए थे 49 लाख से। अच्छा 49 लाख में बैरिया टाउन ने बुकिंग पर ये विलास दिए थे और आज 2021 में प्रीसेंट 11A के जो विलास हैं 200 यार्ड्स की इनकी कीमतें 1.85 करोड़ से 2 करोड़ तक पहुँच चुकी हैं। मतलब बड़ा ज़बरदस्त बूम आया है और इस बूम के आने की वजह फैमिलीज का मूव होना है यहाँ पर। बहुत बड़ी तादाद में फैमिलीज आ चुकी हैं यहाँ पर। यहाँ पर लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी की है क्योंकि वो फिर रेंटल कर सकते हैं या वीकेंड पर कुछ फैमिली खुद आ सकती हैं। रेंटल इनकम यहाँ पर बड़ी अच्छी है। आप ये समझ लें कि अगर आपका यहाँ पर विला है और आप उसको रेंटल करना चाहते हैं तो आपको ईजीली 55 रेंट आप उसको मिल सकता है आपको। और अगर आप ख़ुद भी आना चाहते हैं, आकर रहना चाहते हैं, वीकेंड गुजारना चाहते हैं तो 11A एक बहुत अच्छी जगह है। अच्छा ये भी बताएं कि कितने बेडरूम्स पर है, अंदर क्या है, और दूसरा ये है कि क्या वर्थ बाइंग है इस वक्त ख़रीदना अच्छा है? देखें ये जो है वो 3 बेडरूम्स हैं, साइज़ बहुत ज़बरदस्त हैं और बिल्कुल ये बाइंग करनी चाहिए क्योंकि बैरिया टाउन ने आगे कहीं बैरिया होम्स आगे नहीं दिए। तो अगर आप रेडीमेड घर चाहते हैं और 200 यार्ड्स का चाहते हैं तो प्रीसेंट 11 में जो विलाज हैं वो आपका मुंतज़र हैं आपकी बाइंग का। बिल्कुल, और बेहतरीन गैराज, लॉन और आपका इंडिपेंडेंट एक ज़बरदस्त किस्म का विला 200 यार्ड का, जिसको आप एलिवेशन से देखेंगे लग रहा शायद 400 यार्ड का विला आपका है। इस बारे में मज़ीद मालूमात आप कमेंट में भी दे सकते हैं। मुसलसल नंबर अली रज़ा का नीचे आ रहा है, उस नंबर पर आप रابطہ कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपका जो चल रहा है प्रोजेक्ट के हवाले से इस वक्त 95 स्क्वायर, उसके मुतालिक भी आप मालूमात ले सकते हैं कि अगर आप अपना अपार्टमेंट और शॉप लेना चाहते हैं तो उसमें के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और सवाल हो तो आप ईमेल पर और फ़ोन पर वो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।